आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा प्रश्न, सिद्ध करो कि वृत्त के जीवा का लंब समद्विभाजक सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया जिसमें जीवा ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे हम ओ को केंद्र मान रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओपी इस पर एक रेखा है और इस जीवा का लंब समद्विभाजक यहाँ पे क्यूपी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यह दिखाना है कि यह क्यूपी हमेशा इस केंद्र ओ से होके गुजरेगा। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये मान लें कि क्यूपी केंद्र पर केंद्र से होके नहीं गुजरे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ कोण बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, माना पी क्यू ओ से नहीं गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें बोला गया कि पी क्यू इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के। ठीक है, मतलब पी ए बी का मध्य बिंदु हो गया, और हमें पता है कि किसी जीवा के मध्य बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो वह रेखा उस पर लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ओ पी लंब है ए बी पर। ठीक है, और यहाँ पे इसका कारण हो जाएगा केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इस पे 90 अंश की होती है, मतलब लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे हम इसे समीकरण एक मान लेते हैं और इसे समीकरण दो। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण ए पी ओ यह दो कोणों से मिलकर बन रहा है, कोण ए पी क्यू और कोण क्यू पी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए पी ओ बराबर है कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोण ए पी ओ का मान हमने निकाला है 90 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा ए पी क्यू का मान भी हमने निकाला है, तो यहाँ पे ये भी है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण क्यू पी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि कोण क्यू पी ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पी ओ क्यू ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा केंद्र से होके गुजरेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।